हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। हम इसका पार्ट ए सोल्व करने जा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2-6, 5-4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे त्रिभुज के निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। मतलब इसको ऐसे याद रखना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। और इसको सारणिक रूप में भी आप याद रख सकते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। देखो, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू है -6, x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू है 4, x3 की वैल्यू है k, y3 की वैल्यू है 4। मतलब x3 की वैल्यू है k और y3 की वैल्यू है 4। अब हम इसको इस सूत्र में रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल तो 35 बराबर 1/2, x1 का मान 2, y2 का मान 4, y3 का मान 4, प्लस x2 का मान 5, y3 का मान 4, y1 का मान 6, x3 का मान k, y1 का मान -6, y2 का मान -4। तो ये 35 1/2, 4 में से 4 गए, ये तो 0 हो गया, 6 और 4 10 × 5 50, और ये हो गया -6 -4 -10 के, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 35 × 2 70, और यहाँ से बचा 50 -10 के, तो ये माइनस का 10 के इधर आएगा, तो हो गया प्लस का 10 के, तो के बराबर आ जाएगा -2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -2, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।